जिला परिषद वार्ड भंजाल से हिमाचल प्रदेश के इतिहास की सबसे बड़ी जीत हासिल करने वाले चैतन्य शर्मा को नंबर वन स्कूल सर्च इंजन स्कूडोज ने सम्मानित किया और उनके स्कॉलरशिप अभियान एवं निशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण अभियान की भूरी भूरी प्रशंसा की। गौर रहे कि रविवार को नगर पंचायत दौलतपुर चौक के PVR होटल में नंबर वन स्कूल सर्च इंजन स्कूडोज द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिला पार्षद चैतन्य शर्मा ने शिरकत की। हम काफी समय से इंतजार कर रहे थे, आप आए, बाहर आए, शुक्रिया सर जी। हमारे बीच में जो कि नहीं एजुकेशन को लेके बल्कि सोसाइटी में जो भी प्रोग्रेस, जो भी डेवलपमेंट का जो भी अहाता, ये समझ लीजिए कि इन्होंने अपने जिम्मे लिया हुआ है। और जितने भी यहाँ पे ओना के अंदर जो भी डेवलपमेंट के लिहाज से एक यंग एनर्जेटिक एक हमारे साथ जो लीडर है, जिनके डेवलपमेंट के लिहाज से कोई एरिया नहीं छोड़ना चाहते हैं, डेवलपमेंट के लिहाज से चाहे वो एजुकेशन डेवलपमेंट हो या वहाँ पे सोसाइटीज की डेवलपमेंट हो, उसको हमेशा बढ़ावा देने के लिए इनकी पहल रहती है, एक प्रायोरिटी रहती है। हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं आपके सर, आप आए हमारे बीच में इस महफिल को चार चांद लग गए। आपकी सुबह से हम आपके इंतजार में थे कि कब आप आ जाएंगे, हमें दीदार दे देंगे अपना। फाइनली वो घड़ी आ गई है। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ डॉक्टर सैयद सेठ जो कि हमारे डायरेक्टर हैं, और श्री चैतन्य जी को यहाँ पे आके इनको फैसिलिटेट कर ले। प्लीज सर, वेलकम ऑन स्टेज। जबकि इस कार्यक्रम के गेस्ट ऑफ ऑनर दविंदर सिंह चंदेल उप शिक्षा निदेशक प्राथमिक शिक्षा रहे। स्कूडोज द्वारा आयोजित मीट एवं ग्रीट कार्यक्रम में अध्यापकों, अभिभावकों एवं प्रशासकों को बताया गया कि स्कूडोज एक ऐसा मंच है जो अभिभावकों को सही स्कूल चयन करने में सहायता करता है, साथ ही स्कूलों में दी जा रही सुविधाओं के बारे में अवगत करवाता है। उधर चैतन्य शर्मा ने बताया कि वह अपनी स्वयंसेवी संस्था युवा शक्ति पराक्रम के माध्यम से गगरेट विधानसभा क्षेत्र के 10,000 विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप प्रदान करने जा रहे हैं, जबकि इससे पहले 350 विद्यार्थियों को निशुल्क पाठ्य पुस्तकें प्रदान कर चुके हैं। चैतन्य शर्मा ने बताया कि गगरेट विधानसभा क्षेत्र के विद्यार्थियों को हायर एजुकेशन के लिए प्रेरित करना उनका मकसद है, ताकि युवा वर्ग अपने पैरों पर खड़ा हो सके और आत्मनिर्भर बनकर परिवार के साथ साथ देश सेवा कर सके। आप भी देखिए इस कार्यक्रम को। तालियों की गूंज जो है वो प्लीज रुकनी नहीं चाहिए। और लाइक टू कॉल डॉक्टर सैयद सेठ आल्सो कम ऑन द स्टेज एंड टू प्रेजेंट द अवार्ड्स टू द स्कूल्स। प्लीज मैम, स्कॉलर्स डे स्कूल चेतनिया जी को थैंक यू सो मच सर यहाँ आने के लिए और इस अवार्ड को हमारे एंड से एक्सेप्ट करने के लिए, जो कि इस तरीके से जो आप अपने इलाके के लिए कर रहे हैं, ये हमारे लिए एक एग्जाम्पल है बाकी सारे उन यंग लीडर्स के लिए कि वो डेवलपमेंट के लिहाज से इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे अपनी सोसाइटी को कि किस तरीके से। दिस इज द अवार्ड टू यू, एक्सेप्ट प्लीज। तालियों के गूंज नहीं रुकनी चाहिए, प्लीज अ बिग क्लैप फॉर दिस मोमेंट। थैंक यू सो मच सर। सर, आज का जो प्रोग्राम है इसके बारे में हमें कुछ जी स्कूडोज के बारे में बताना चाहूँगा। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए जो स्कूल है सर्च कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं और फिर उसे बुक कर सकते हैं। ये हमारा जो विजन है कि इंडिया में, पैन इंडिया में जितने भी स्कूल्स हैं अभी तक, जैसे गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि 25 लाख स्कूल है, लेकिन हम कह रहे हैं 40 लाख से ज़्यादा स्कूल्स हैं जितना हमारा रिसर्च है। रिसर्च के अकॉर्डिंग हमारे पास, हमारे प्लेटफॉर्म पे आने वाले एक साल के अंदर अंदर सारे स्कूल्स हो, और स्कूल्स आने वाले वक्त में अगर स्कूल्स की कोई बात करे तो स्कूडोज के थ्रू करें, बिकॉज़ ये बहुत ही ज़रूरी था कि आज की डेट में अगर हम देखेंगे सारी चीज़ें फिंगर टिप्स पे, वाई नॉट स्कूल्स।
तो ये विजन जो क्रिएट किया है हम लोगों ने, जो ये कैंपेन चला रहे हैं हम इसकी, कि जो प्लेटफॉर्म क्रिएट किया हुआ है, इस वजह से कि ताकि स्कूल्स अपने आप को प्रमोट करें, उनकी क्या USPs है, बेस्ट से बेस्ट USPs, ताकि पेरेंट्स के पास ही इंफॉर्मेशन पहुंचे। और जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा भी होगा कि हमारे पास जो डेटाबेस है, जो हमने बताया भी, 9 लाख स्कूल्स का डेटाबेस है हमारे पास, और उसके अलावा मोर देन 10,000 टीचर्स का डेटाबेस है, और इसके अलावा हमारे पास जो स्कूल्स के साथ जुड़े हुए वेंडर्स, चाहे वो यूनिफॉर्म वाले हैं, पब्लिकेशंस वाले हैं, वो सारे उनका डेटा भी है। तो एंटायर इकोसिस्टम हम क्रिएट कर रहे हैं स्कूल्स के लिए। तो यहाँ पे जो फंक्शन था वो यही अवेयरनेस थी स्कूलों के बारे में, कि जितने भी यहाँ पे स्कूल है कि हमारे साथ जुड़ जाए, ताकि आने वाले वक्त में पेरेंट्स को ईजी हो और अपने आप को वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करें हमारे प्लेटफॉर्म पे। दैट्स द बेस्ट मैसेज। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं मिसेस सेट एंड स्कूडोस की सारी टीम का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा दैट यू गिवन मी दिस अपॉर्चुनिटी टू कम हियर एंड एड्रेस यू। मेरा आपकी टीम के साथ एक इंटरेक्शन काफ़ी लंबे टाइम से ऑलरेडी चल रहा है। आई बिलीव मिस्टर नवीन जी हैं जो यहाँ पर आपका मैनेज कर रहे हैं इन द स्टेट, एंड मिस्टर शशि पराशर जिनका वो यहाँ आपका मेरे ख्याल से एरिया कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। सो इनके थ्रू मेरे को आपके प्लेटफॉर्म के बारे में काफ़ी नॉलेज मिली है, एंड आई बिलीव कि ये जो अब हम नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी ड्रिवन सोसाइटी और एरा में हम सब लोग लिव एंड ब्रीथ कर रहे हैं, इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एजुकेशन सेक्टर में भी ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो आगे आके स्कूल्स एंड स्टूडेंट्स एंड देयर फैमिलीज के बीच में लिंकेज कर सकें। सो आई बिलीव ये बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। जैसे अभी मैं मिसेस सेठ के साथ बात कर रहा था, ये एक न्यू एज एरा में जो अब न्यू फॉरवर्ड थिंकिंग आ रही है, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम जो हमारा एक्चुअल ग्राउंड पे फिजिकल तरीके से जो हमारे स्कूल्स में काम काज चल रहा है उसका डिजिटलाइजेशन होना है, वो इन्फॉर्मेशन जो एक क्लाइंट बेस है, एक स्टूडेंट्स और उनके जो पेरेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। सो इन द ब्रीफ कॉन्वर्सेशन दैट आई जस्ट हैड, मेरे को बताया गया कि देयर आर 11,000 स्कूल्स दैट आर ऑलरेडी एनरोल्ड विद यू पैन इंडिया। सो मैं यही चाहूँगा कि जैसे आप यहाँ आए हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में आए हैं, ऑल्सो बींग रिप्रेजेंटेटिव इन द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, एक जिला परिषद होने के नाते भी ये हमारे लिए गर्व की बात है कि आप जैसे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, आप जैसे जो फॉरवर्ड थिंकिंग अप्रोच जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो हमारे एरिया में आ रहे हैं, एंड वो हमारे यहाँ के एजुकेशन सेक्टर की जो वैल्यू है उसको भी रिकग्नाइज कर रहे हैं। सो मेरा इस मंच के माध्यम से जितने भी पेरेंट्स हैं और जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, खासकर जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है युवा शक्ति पराक्रम, हमारा भी बहुत एक कोर एम्फेसिस जो हमारे तीन मेन मुख्य बिंदु हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, साथ ही साथ हेल्थ केयर सर्विसेज हो और एम्प्लॉयमेंट हो, तो एजुकेशन हमारी फाउंडेशन का, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का भी एक कॉर्नरस्टोन है। तो उसी को भी आगे बढ़ाते हुए हमें लगता है कि आप जैसे सहयोगी हमारे साथ आएंगे ऑन बोर्ड, तो हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स का, हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका, एंड हमारे पूरे प्रदेश में जो एक पूरी एजुकेशन सेक्टर की वाइब्रेंसी है उसको आगे बढ़ाने के में आप सभी का एक बहुत अच्छा इंक्लूसिव रोल हो सकता है। सो मैं चाहूँगा कि मैं आपके साथ ही बैठ के डिटेल डिस्कशन करूँ। ये आज जो आप लोगों ने एक प्रोग्राम सम्मेलन आयोजित करा है, दिस शुड बी सीन एज अ स्टेपिंग स्टोन, तो इसका भी जब जितना आगे मार्केटिंग होगा और इसका भी जो डिजिटल आगे आप लोग अपना प्रचार करेंगे, आई होप कि जितने भी हमारे